माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पर विचार किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हित संरक्षण के लिए 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। लंबे समय से उस कानून के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को संरक्षण देने का, उनके हकों को दिलाने का प्रयास होता रहा। कुछ व्यावहारिक अनुभव के आधार पर ये ज्ञात हुआ था और बहुत सारे ऐसे सुझाव आए थे। वो जो अधिनियम बना हुआ है 1989 का, उसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2015 में वो जो 1989 का कानून बना हुआ था उसमें संशोधन किया। पहले वाले कानून में 22 अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत आते थे। हमने 25 और अपराध उसमें नए जोड़े, कुल मिलाकर वो 47 अपराध हो गए। इन अपराधों के आधार पर उनको न्याय दिलाने की कार्रवाई होती थी, अपराधियों को दंड दिलाने की कोशिश होती थी और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ राहत दिलाने की भी कोशिश होती थी। कुछ विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एक निर्णय दिया और उस निर्णय के आधार पर जो एक्ट हमने लागू किया था उसमें जो धारा 18 का उल्लेख था, उस धारा 18 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करके उसमें कुछ अंकुश लगाने वाले निर्णय कर दिए। और वो अंकुश लगाने वाले निर्णय के कारण से इस एक्ट का कोई महत्व नहीं रह गया था, ऐसा महसूस होने लगा था। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के तारतम्य में रिव्यू पिटीशन लगाई और आग्रह किया कि ये जो निर्णय है ये इस एक्ट के महत्व को प्रायः समाप्त करने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ उनके हकों को दिलाने की दृष्टि से ये कानून बना हुआ है, ये व्यर्थ हो रहा है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो प्रावधान पहले थे उसी के अनुसार इस कानून पर कार्रवाई करने की व्यवस्था रखी जाए। वो रिव्यू पिटीशन अभी विचाराधीन है। इतनी जरूर अच्छी बात हुई कि रिव्यू पिटीशन सामान्यतया चेंबर में ही सुनी जाती है, पर इस रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुनने का कोर्ट ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। परंतु वो रिव्यू पिटीशन अभी भी विचाराधीन है। विलंब को देखते हुए और सारे देश में ये जो संशोधन हुआ था उसके खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में असंतोष जागा और 2 अप्रैल 2018 को अनेक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था और उस भारत बंद के दौरान कुछ अनहोनी घटनाएं भी हुई थी जो दुखद थी। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण और कब निर्णय होगा इसका सही अंदाजा नहीं होने के कारण हमने ये महसूस किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलने में देर हो रही है।
अपराधी संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को राहत भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने कैबिनेट में सर्वानुमति से ये निर्णय लिया कि इस एक्ट के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए और जिस उद्देश्य से एक्ट में जो प्रावधान किया गया था उसको बहाल रखने के लिए धारा 18 में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है और वो हमने निर्णय लिया है। मैं बताना चाहता हूँ, धारा 18 में हमने एक नया प्रावधान किया है और वो धारा 18 क के रूप में किया है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था धारा 18 की व्याख्या करते हुए कि FIR दर्ज करने के लिए अगर कोई पीड़ित परिवार आता है तो FIR सीधे सीधे दर्ज करने की बजाय DSP रैंक का अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और निष्कर्ष निकलेगा कि FIR दर्ज करना चाहिए तो करेगा। तो ये प्रतिबंध लगाने के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हुई थी। इसके साथ ही साथ उसमें एक प्रावधान और हो गया था कि अगर FIR दर्ज हो जाएगी तो अपराधी को पकड़ने के लिए SSP रैंक के अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो सकेगी। अब कई राज्यों में तो SSP सिस्टम ही नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के अलावा SSP है नहीं, सभी जिलों में SP की पोस्ट है, तो इसके कारण भी बहुत कठिनाई हो रही थी। इसके साथ ही साथ ये भी प्रावधान हो गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण कि अगर कोई अपराधी जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की सहमति से करेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि पुलिस की केस डायरी भी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बुलवाती और उसकी जांच पड़ताल करती है और उसके बाद भी अगर उनको अच्छा लगता तो कह देते कि ठीक है और नहीं तो कह देते कि नहीं, गिरफ्तारी के योग्य नहीं है, तो फिर व्यवधान खड़ा होता है और काफी विलंब होता है। पुलिस हस्तक्षेप में जो IPC CRPCG और ये जो प्रावधान है उन पर कार्रवाई करने में भी अत्यधिक विलंब होता और इस कारण से अपराधियों को तो संरक्षण मिलता और जिसके साथ उत्पीड़न की घटना हुई है जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलने में भी बहुत कठिनाई होती। ये बहुत गलत प्रावधान होते अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हो गए होते। तो हमने ये महसूस किया कि ये सब कार्रवाई करना सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और अपराधी को संरक्षण मिलेगा। इसलिए हमने इसमें सबसेक्शन जोड़े हैं 18 क इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए। मैं धारा 18 भी पढ़ देता हूँ, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतर स्थापित की जाएगी अर्थात 18 क 1, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होगा प्रथम दृष्टया और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो FIR दर्ज हो गई, इसको हम अमान्य करने का निर्णय लिए हैं। इसके साथ हमने 18(1)(ख) में ये प्रावधान किया है, यदि आवश्यक हो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, वो कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगा। इसके साथ आगे हमने जोड़ा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात ये जो एक्ट बना है और इस एक्ट में जो प्रावधान है इसके अलावा दूसरा कोई कानून बंधनकारी नहीं होगा, वो इस एक्ट के प्रावधानों पर लागू नहीं होगा।
इसके साथ आखिर में हमने जो प्रावधान किया था कि धारा 438 सीआरपीसी वो इस पर लागू नहीं होगी, तो कोर्ट ने ये कह दिया था कि नहीं, अग्रिम जमानत भी ली जा सकेगी। हमने उसको भी एक के मुताबिक प्रावधान जो किया है हमने उसके अनुरूप बनाने के लिए खंड दो, 18 खंड दो, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी अगर किसी कोर्ट ने या न्यायालयीन संस्थान ने कोई आदेश दिया हुआ है तो भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। अर्थात हमने जो अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लगाया था उसको फिर से हमने बहाल करने का प्रावधान इन संशोधनों के माध्यम से किया है। इस विधेयक पर पहले विस्तृत चर्चा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस संबंध में जानकारी मिली है कि फॉल्स केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई विचार किया था तो फॉल्स केस के आधार पर भी कुछ सोचा था। फॉल्स केस होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर केवल एट्रोसिटीज एक्ट की धाराओं पर जो FIR दर्ज होती है उसी में फॉल्स केस होते हैं, ऐसा नहीं है। IPC की धाराओं में भी फॉल्स केस होते हैं, और जो आंकड़े देखने को मिलते हैं क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड भारत शासन के, उसमें हमने देखा है कि सामान्यतया IPC की धाराओं में 6-7% फॉल्स केस पाए जाते हैं, इसमें 10-11% पाए गए। अब उदाहरण अगर मान लो कि फॉल्स केस पाए गए 10-11-12%, अगर 12% भी मिले तो 88% लोगों के साथ अन्याय होने वाला यह निर्णय सिद्ध होगा। इसलिए हमने लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से इस विधेयक को जिस प्रकार से कानून बना करके देश में लागू किया था उसी अनुरूप बनाए रखने का निर्णय लिया है, और ये ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कैबिनेट ने लिया है। मैं सदन से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करें। धन्यवाद।